हेलो हाय नमस्ते केमती अच्छा समस्ते आशा समस्ते बहुत भल रही तो नमस्कार फ्रेंड्स मुझे आप स्वागत आउ एक न्यू फ्रेश ब्लॉग को तो फाइनाली एवं आम पहुंचा पहुंची होगले पूरी रे आपने फास्ट ब्लॉग देखते हैं मुझे आपन को भाउज आसचे पूरी बुलाया मैंने फाइनाली आम आसी पहुंचीगले पूरी स्टेशन में देखते आम जो पछाड़ जो ट्रेन अच्छे से ट्रेन में आसते ट्रेन नंबर 0801 मुझान भाउज पूरा रेडी आज पूरी मंदिर जगह दर्शन करने सांग मैंने फाइनाली एवं जाऊँगी पूरी मंदिर पाखक देखते भाउज पूरा पूरी मन दुख रे बसथंती से कहते बीच जीवा बोली किंतु मु पळे आसले आगे पूरी मंदिर किटा कहला डेली आसो तो मैंने फाइनाल एवे पहुंच गले पूरी मंदिर सामना रे तो देखो सामना रे अच्छे पूरी जगन्नाथ मंदिर चलो प्रथम आम रूम चेक इन करदे गोटे रूम देखिए भल रूम देखिए चेक इन कर सारापर जिनस पत्र रखिक आम बाहरी जावा पूरी बीच बुलाबूली करने प्रथम थर आप भाउज को लेकिन मुझे पूरी जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथ को दर्शन करने देखते आप भाउज मत फुल रेडी अच्छा जगन्नाथ को दर्शन करने तो देखते सेपटे सब भक्त मैंने सब जाऊँच एसी बारिकेड देखिए जगन्नाथ को दर्शन करने सब जा सांग मैंने फाइनाली आम रूम रे आसी रूम को चेक इन कर सारापर फ्रेश होगी एवं आम जाऊे समुद्रकूल गाधेवाई तो चलते आम जाए गाधे उतरिक आसवा देन फ्रेश होगी जगन्नाथ मंदिर जी जगन्नाथ को दर्शन करने देन जाए अबड़ा खाइबा दिन दीटा पाखापाखि अबड़ा फार देन अबड़ा खाइबा है देखते ये खरारू बचाप मास्क लगे आमर तो भाई पोछ जानते किसी लगे दरकार नहीं हमें एमती रे सफा सकाल सकाल आम ए पलैसले ब्रेकफास्ट करने बालीसाई रास्ता पूरी सागर तरकारी कौन हम मटर तरक तो सांग मैंने देखते फाइनाली एमर इटली तरकारी आसीगला आप मामा भाव टेस्ट करेंगे केमती कौन टेस्ट लगुच कहमी टेस्ट लगुच एवरेज रेटिंग मैंने ब्रेकफास्ट करा पड़ी दु तीन टा जगह घूरी सारे कि ब्रेकफास्ट कौटी गोटे भल मिलू तो आम से चली चाली एवं जाऊे पुणी बालीसाई रास्त देखा कौटी कौन जो भल दहबरा गोटे मिल तो दहबरा खाइबा ओडिया जब दहबरा ना खेल तेने कि मजा दहबरा खाइब तो दहबरा चलो देखा कौटी कौन मिलू भल दे दहबरा गोटे खाइबा आखुरी चका देगा भाई गोटे ग्लास दब लंका टे पकईद तो सांग मैंने चलो तो खरा को जो हिसाब से खरा देला खरा को आखु रस गोटे पीद प्रबल मीठा बहुत बढ़िया लगुच भाई ये बिक्री कर आखु रस तो चलते मामा टे पीदे भाईना केमती लगुच टेस्ट मीठा लगुच ना बहुत मीठा लगे खरारे आखु रस पीदे केमती लगे तुमको बहुत बढ़िया ना सतरे खरा आखु रस पीबार गोटे मजा ही अलग तो फ्रेंड देखते भाई ये दहबरा बिक्री कर दहबरा हम कितने लगे प्लेट तीस गोटे देव ना तो फ्रेंड देखते फाइनाल एवं आम पलि आसे दहबरा खाइबा तो देखते भाई ये दहबरा दौन तो सांग मैंने देखते फाइनाली मैं दहबरा आसगला एना मामा खाई टेस्ट करी कहे केमती कौन टेस्ट लगुच तो सांग मैंने सका पाखर ब्रेकफास्ट करनेट है गोटे जगह आमको दहबरा खाया मिलला तो दहबरा खाऊला बेले दुई दुई थोड़ा भितर चुट्टी बाहर लास्ट को दहबरा को डस्टबिन में फिंगिक न खाई आम जाऊे समुद्रकूल आज भाग्यर ना ब्रेकफास्ट बोलते आज भाग्यर ना भलसे शांति में खाया तो ड्रेस भी तरकारी पड़गला तो चल कौन कर समुद्रकूल में गाधे ड्रेस सफा करदे जहाँ तरकारी पड़ी समुद्र में गाधे पलि तरकारी सब आजा समुद्रकूल जो किसी भल खाइया मिले देन खाइबा मैंने एवं आसिक आम पहुंची गले देख पारे समुद्रकूल सामने आप भाउज जाते आज गाधे फास्ट टाइम आप भाउज आज समुद्र में गाधे मुझ प्राय तो आसिक प्राय तो मुझे आसे गाधे कि दिन तेज़े आसती गाधी आई आप समस्त तो भिड देखी थे कि आप भाउज आज फास्ट टाइम समुद्र में गाधे तो सांग मैंने आपने पूरी आसपे और समुद्रकूल बुलवे ये कभी संभव कि तो आम सांगे सांगे पलि आसलू समुद्रकूल बुलाई देन समुद्रकूल गाधा गुदी सारिक रूम को जाकि फ्रेश होगी आम जा जगन्नाथ को दर्शन करने आप भाउज आज गाधे बहुत खरा देखते आज सतरे आज बहुत ही खरा जो खरा खरा को काकुड़ी मजा गोटे अलग तो सांग मैंने चलते आम जा गाधेपी समुद्रकूल में मुझे आपण भाउज जो मऊसा अच्छा मोबाइल और बैग देक आम जा समुद्रकूल को गाधेपी तो आप भाउज फुल रेडी अच्छा गाधेपी तो चलो जी समुद्रकूल गाधेवा कौन जा गाधे जा फुल रेडी अच्छा आज गाधे बोली तो सांग मैंने फाइनाली पलि आसे समुद्र को गाधेवाई देखिए आपण भाउज ये गाधौंट समुद्र भितर को जाऊना समुद्र कूल में बस खाली गाधौंट टे हाल्का पाने गाधौंट भितर हाँ बहुत पाणी हाल्का पाने गाध भितर जीवार ना ही धरूना देखिए तुम्हें तो ये आस समय है दिन 10 पाखापाखि खरा मत बहुत जोर खरा मत आज प्रबल खरा को समुद्र में गाधेबार गोटे मजा ही अलग थाए तो आपड़ी समुद्र के गाधे थे आप जानते प्रबल खरार समुद्र में गाधेबार गोटे मजा गोटे अलग प्रकार थाए अलग लेबर मजा था भाउज ए पलि आसे बाली मो ना लेखापी एम छोट बड़े सब किए किए बाली सब ना लिखिच आउ ए ना लिखु थी कि पा नहीं पलैब
ଏମିତି ନାଁ ଲେଖୁଥିବ ପାଣି ଭସେଇକି ନେଇକି ପଳେଇବ ଏମିତି କାହାର କାହାର ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଯାଇକି କମେଣ୍ଟ କର। ମୂଷା ପଇସା କେମିତି ଖୁଚ ଏଇଠି କାହିଁ ପଇସା ମୂଷା ଦେଖିବା ତ ମଉସା ଏଇଠି ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ପଇସା ଖୋଜିକି ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ବାକି ଓ ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ପଇସା ପକାଉଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇନକମ୍ ବାକି ବାହାର କରିଦେଇଛ ଭାଇ ତମେ କେତେ ପାଇଲ 15 ପାଇଗଲ ଦେଖା ତମେ ଦେଖିବା ତ ଭାଇ ଏଇଠି 15 ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ପାଣି ଭିତରୁ ତାପରେ ଦେଖିବା ତ ଭାଇ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଛେନାପୋଡ଼ ମଦନ ମୋହନ ଆଉ ରସଗୋଲା ମଦନ ମୋହନ 10 ପିସ୍ ଏଇଟା ଛେନାପୋଡ଼ 20 ଦେବା ଛେନାପୋଡ଼ ନା ଦେଖିବା ତ ମଉସାଙ୍କୁ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆଗେଇ ଯାଇଛେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ଭାଇଙ୍କ ରିକ୍ସାରେ ବସିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଚ୍ରେ ଗାଧେଇ ଗୁଧା ସାରି ରୁମ୍କୁ ରିଟର୍ନ କରି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇ ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ଦେନ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ରୁମ୍କୁ ରିଟର୍ନ କରି କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ କରି ଏବେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାକୁ। ଦେଖିବା ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବା ତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିଲୁ ନୃସିଙ୍ଗ ସୁଇଟ୍ ଅରିଜିନାଲ କୋଉଟା। ତ ସେ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅରିଜିନାଲ ନୃସିଙ୍ଗ ସୁଇଟ୍ କୋଉଟା। ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇନା ବାଇ ବାଇ କହିକି ଆମେ ଯିବା ଏଇନା ସମୁଦ୍ର କୂଳ ବୁଲାବୁଲି କରିବା। ତ ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ ପଳେଇଗଲେ ପାଠ ପଢାପଢି କରିବା। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ବୁଟ ଚାଟ। କଣ କଣ ମିଶିଛି ଏଠି? ସୋଲା ପିଆଜ ନଡ଼ିଆ ଛେଚା ମସଲା ପଡିକି ମସଲାରେ କଷା ହେଇଛି ନା ହେଲା ଜୁଆନ କଷ ସୋଲା ନଡ଼ିଆ ଲାଗେ ବଢିଆ। ପ୍ଲେଟ ଟା କେତେ? 20 ଟଙ୍କା। ତମେ ଦେଖିବା ତେ ଫାଇନାଲ ଆମର ବୁଟ ଚାଟ ରେଡି ହେଇଗଲା। କେମିତି କଣ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଖାଇ କୁହ? ଭଲ ଲାଗୁଛି? କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଖଟା ମଟା ଚଟପଟା ସମୁଦ୍ରୀ କଙ୍କଡା ଯାହାକି ପର ପ୍ଲେଟ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ କୁ ସିଙ୍ଗଲ ପିସ୍ କୁ ଆପଣ ମାନେ 100 ଲେଖା ହିସାବରେ ଖାଇବେ। ପୁରା ପରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖିବେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ତା ସାଇଡ଼ରେ ଆପଣ ମାନେ ପାଇଯିବେ ଏଠି ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ ଭେରାଇଟି ଅଫ ସମୁଦ୍ରୀ ମାଛ ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ପାଇଯିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସିଏ ଏଇନା ଖାଇବେ କଙ୍କଡା ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କଙ୍କଡାର ଟେଷ୍ଟ ଜବରଦସ୍ତ ମାଛ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା। ତମେ ଦେଖିବା ଏଠି ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଛଣା ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ଲେଟକୁ 50 ହିସାବରେ ଚାଲନ୍ତୁ ହାଫ୍ ପ୍ଲେଟ ଭାଇଙ୍କୁ ମାଗିବା 4 ପିସ୍ ରହିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତ କୋଉ ହିସାବରେ ଲୋକ ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଭାଇଙ୍କ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା। ତ ଦେଖିବା ତ ଏଇଟା ସସ୍ ମିଶେଇ ଖାଇବା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ। ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା। ଟେଷ୍ଟ ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ରାଗ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରୀ ବ୍ଲକ ଆମର ଜବରଦସ୍ତ ଥିଲା। ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି ମଧ୍ୟ କଲୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଏବଂ କାକଟପୁର ଯାଇ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସୁ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ।